ह्यूमैनिटी और सोशल सर्विसेज का वो शोबा है कि जिसमें जिसकी बहुत ज़रूरत है, और जो इस आजकल के हालात में मेरा ख्याल है कि आदमी अपने लिए कम सोचे और लोगों के लिए ज़्यादा सोचो। अब्दुस्सत्तार एदी साहब जो है वो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है इस शोबे की सच्चाई की अकासी करता है। ज़ुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया? ईदी, ये तो पाकिस्तान का मानूस तरीन नाम है। कौन है ये ईदी? सादा इंकसार भरा चेहरा, न रोक दाब न शान व शौकत। क्या यही है वो हस्ती जिसने तारीकियों में आला तरीन अकदार का चिराग रोशन कर रखा है? वो शख्सियत जिसका नाम लेकर दुनिया भर के सामने हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अब्दुस्सत्तार ईदी के कारनामों का इदरक्षा सफर कराची के एक गुंजान इलाके में दवाओं की एक मामूली दुकान से शुरू हुआ था। दुखी बीमार जरूरतमंदों से हर रोज मुलाकात ने उनके सीने में दर्द मंदी का ऐसा सच्चा जज्बा पैदा किया कि सर सैयद अहमद खान की तरह झोली फैलाकर चंदा इकट्ठा करके उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद डाली। क्या अनथक मेहनत होगी, क्या अज्म, क्या इरादा कि आज यही ईदी फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस मुहैया करने वाला इदारा बन चुकी है। आज पाकिस्तान भर में दूर दराज दुश्वार इलाकों तक ईदी फाउंडेशनों की एम्बुलेंसों, शफाखानों, मैटर्निटी होम्स, लावारिस बच्चों और मजलूम बेसहारा औरतों के मराकज और बच्चा गोद लेने के सेंटरों का जाल फैला है। रंग, नस्ल, मजहब, फिरके से बेनियाज और बालातर, इनकी खिदमात तमाम इंसानियत के लिए यकसां हैं। कौम परस्ती की नाराबाजी से बेनियाज, अपने वतन पाकिस्तान की सुर्ख रुई के अमीन है अब्दुस्सत्तार ईदी। हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ बन सकते हैं, इस उम्मीद की नवीद है ये नाम, अब्दुस्सत्तार ईदी और ईदी फाउंडेशन।